शिमला से एक बड़ी खबर, ठियोग में लेलू पुल में एक एचआरटीसी की बस पलटने की खबर सामने आई है। अनियंत्रित हो गई ये बस, उसके बाद ये इस हादसे का शिकार हो गई है। करीब 14 सवारियों को चोटें आई हैं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है, ठियोग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शिमला से थरोच जा रही थी ये एचआरटीसी की बस, लेकिन यहाँ पर हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अफरा तफरी का कुछ देर के लिए माहौल हो गया, और बस की हालत भी देखी जा सकती है कि कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई जब इस हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि अनबैलेंस्ड हो गई ये बस, अनियंत्रित हो गई, और जो चालक था बस का वो नियंत्रण नहीं पाया इस बस पर, और उसके बाद ये हादसा पेश आया, ये हादसा सामने आ गया। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत उन लोगों की मदद की जो इस बस में सवार थे। तब तक जितने भी लोग थे उनको बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी थी। फिर मालूम हुआ कि 14 लोग ऐसे थे जिनको कुछ चोटें ज़रूर आई हैं, लेकिन गनीमत रही कि अभी तक किसी की जान नहीं गई इस हादसे में, ये गनीमत रही। वरना जिस तरह से हादसा हुआ था कुछ भी अनहोनी बड़ी हो सकती है किसी के साथ भी। हाँ, घायल ज़रूर हुई हैं सवारियां जो इसमें मौजूद थी, 14 लोग बताए गए हैं जो घायल हुए हैं, जिन्हें ठियोग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जल्द से जल्द बाकी जो आसपास के लोग थे या स्थानीय लोग थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने तुरंत कोशिश की इन बस सवारियों की, जो बस में सवार लोग थे उनकी, और तुरंत उनको बाहर निकाला। और ये भी देखा जा सकता है कि बस बिल्कुल आधी झुक चुकी थी, लगभग पूरी पलटने को थी, लेकिन कहीं पर अटक गई। वरना आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाके हैं, खाई है, और कहीं पर कोई भी बड़ा हादसा होता है तो कई बार देखा जाता है कि लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम इतनी गनीमत रही कि अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं सामने आई, किसी की मौत इस हादसे में अभी तक नहीं हुई है। लोग घायल ज़रूर हैं जो अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं।